नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपको बेस्ट फेसिंग अंडरगारमेंट फैक्ट्री के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि वास्तु शास्त्र के अनुसार आपको अपने यहाँ पर सेटअप कैसे करना चाहिए। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बिल्डिंग बनाने का सेटअप बताया कि वास्तु शास्त्र के अनुसार बेस्ट फेसिंग फैक्ट्री के लिए आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपको किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए बिल्डिंग बनाते समय। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंदर का सेटअप किस प्रकार से करना चाहिए। आपके अपने बेसमेंट है, बेसमेंट के अंदर आपने रॉ मटेरियल स्टोरेज कहाँ करनी है। रॉ मटेरियल स्टोरेज आपके अपने वेस्ट जोन है, यहाँ पर आपको अपना रॉ मटेरियल स्टोरेज आएगी। आपने अपने यहाँ पर जो रैक्स लगाने हैं वो रैक साउथ वॉल पर और वेस्ट वॉल पर आएंगे, और वैसे मटेरियल आपने जो रखना है वो मटेरियल आप बीच में साउथ वेस्ट की और यहाँ वेस्ट में इस जगह आप रख सकते हैं। यहाँ पर आपका अपना एक पार्टीशन आएगा और इसके अंदर जो डोर लगाएंगे वो डोर आपका अपना यहाँ पर आपका अपना डोर आएगा, और जो व्यक्ति इसके अंदर बैठेगा उसकी जो चेयर है वो चेयर यहाँ जाएगी और इसी के साथ में यहाँ एक टेबल आएगी और इसी के साथ में एक विंडो आएगी, क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल अंडर गारमेंट्स बनाने के लिए चाहिए वो सारा यहाँ से एक व्यक्ति बिल बनाकर लेबर को देता रहेगा। आपने अपने यहाँ पर बेसमेंट के अंदर कटिंग टेबल लगानी है तो वो आपने कहाँ लगानी है। कटिंग टेबल लगाने से पहले आपने अपने यहाँ पर कपड़े की स्टोरेज कहाँ करनी है, क्योंकि कपड़े की जो स्टोरेज करनी है वो स्टोरेज आपने साउथ वेस्ट जोन में यहाँ पर कपड़े की स्टोरेज करनी है। आपने अपने यहाँ पर मोल्डिंग मशीन भी लगानी है तो वो मोल्डिंग मशीन आपकी यहाँ पर, क्योंकि मोल्डिंग मशीन का साइज बहुत छोटा होता है और वो मशीन आपकी साउथ जोन में आएगी, क्योंकि मोल्डिंग मशीन के अंदर गर्मी भी बनती है और गर्मी वाली मशीनें हमेशा ही साउथ साउथ ईस्ट जोन में रखनी चाहिए ताकि फैक्ट्री के अंदर वर्किंग हमेशा अच्छी है। अब ऐसे ही आपने अपने यहाँ पर कटिंग टेबल कहाँ लगानी है। कटिंग टेबल आपने एक कटिंग टेबल तो यहाँ पर आ जाएगी जो कि साउथ टू नॉर्थ लंबी होगी, दूसरी कटिंग टेबल आपके इतने यहाँ पर आएगी। आपने और कटिंग टेबल लगानी है तो आप यहाँ पर भी अपने और कटिंग टेबल लगा सकते हैं। लेबर को जो मैनुअली काम करना है वो मैनुअली काम आप यहाँ पर इस जोन में अपने लेबर से करवा सकते हैं। ये आपके अपने लिफ्ट है और यहाँ पर आपके अपने स्टेज बनी हुई है जो आपकी बेसमेंट से लेके टॉप तक जाती है। यहाँ से आपकी नॉर्थ से एंट्रेंस होती है, किसमें, बेसमेंट में, क्योंकि मैंने आपको पहले सेटअप बताया है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार किस प्रकार से आपने सेटअप करना चाहिए। अब इसी के साथ आपका जो ये नॉर्थ वाला एरिया है ये एरिया भी आपका अपना बेसमेंट का ही पार्ट है, और ऐसे ही ईस्ट वाला एरिया भी आपका बेसमेंट का ही पार्ट है। आपको अपने यहाँ मशीनें और ज़्यादा लगानी है तो आप यहाँ पर इस जोन में मोल्डिंग मशीनें और भी लगा सकते हैं। ऐसे ही कटिंग टेबल जो मैंने यहाँ बताई है, कटिंग टेबल आप ईस्ट साउथ वेस्ट जोन में भी लगा सकते हैं, ऐसे ही नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोन में भी आप अपनी कटिंग टेबल लगा सकते हैं। यहाँ पर आपके अपने लेबर मैनुअल वर्क कर सकती हैं, यहाँ पर भी बैठकर आपके अपने लेबर मैनुअल वर्क कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपके लेबर मैनुअल वर्क कर सकती है। पीने का पानी आपने यहाँ पर कहाँ रखना है। पीने का पानी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोन में, इस जोन में आप अपना पीने का भी रखते हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर भी आप पीने का पानी रख सकते हैं। इसी के साथ जो आपके अपने लिफ्ट है, लिफ्ट के बैक साइड वाले एरिया में भी पीने का पानी रख सकते हैं।
ये सेटअप होगा आपके अपने बेसमेंट का, बेसमेंट के अंदर आपने सामान कैसे रखना है, ध्यान रखना है जब आपका अपना स्टाफ काम करे तो उसका कटिंग करते हुए फेस ईस्ट की ओर होना चाहिए। इस बात का आपने खासतौर पर ध्यान रखना है। जो बातें मैंने आज आपको बेसमेंट के बारे में बताई है कि अंडरगार्मेंट्स के फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं तो इस प्रकार से आप अपने यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको सही है और आप अपने लिए फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं तो इस प्रकार से आप अपना सेटअप करेंगे तो मेरा अपना मानना है कि आपकी अपनी फैक्ट्री बहुत ही बढ़िया चलेगी। आपने अपनी फैक्ट्री लगाई हुई है और आपकी फैक्ट्री अच्छी नहीं चल रही है और आप जरूरत से ज़्यादा परेशान हैं, आपको कहीं से कहीं तक कोई हल नहीं मिला, तो आप हमसे ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं। आप अपनी साइट का मैप भेज कर हमसे ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। आप अपनी नई साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं। मैंने अपने YouTube चैनल पर 380 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है, आप मेरे वो सभी वीडियो देखकर भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।